इवेंट ब्लॉगिंग करने से हर दिन यहाँ पे 500 से 1000 डॉलर कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे यहाँ पे कमेंट भी देखने को मिलता है और ईमेल भी आ रहा है और कुछ लोग यहाँ पे कॉल भी करके पूछ रहे हैं। इसराइल भाई बताइए, क्या ये सही है, इवेंट ब्लॉगिंग से हम लोग इतना इतना रुपया अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, जो सही तरीका होगा जिससे हमारा एडसेंस अकाउंट वगैरह भी यहाँ पे सिक्योर रहे। तो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ सबसे पहले उठा लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या इवेंट ब्लॉगिंग से हम लोग 500 से 1000 डॉलर पर डे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? जी हाँ, कमा सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, लेकिन 500 से 1000 डॉलर नहीं कमा सकते हैं। 200 से 300 डॉलर आप लोग कमा सकते हैं अगर आपके लिंक के ऊपर ट्रैफिक आ जाता है तो। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है और इसको कैसे करें, कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है, किसे हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे चल के हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं इवेंट ब्लॉगिंग होता क्या है। इवेंट ब्लॉगिंग दोस्तों किसी भी फेस्टिवल या पर्व त्यौहार के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझसे हमेशा कमेंट करके लोग पूछ रहे हैं और ईमेल भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि इसराइल भाई मुझे बताइए स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग कैसे इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताने को क्या है, मैं बता दूंगा 1000-2000 यहाँ पे व्यू आ जाएगा, कुछ मेरे चैनल को भी लोग यहाँ पे नए नए ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पे नया नया है, आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है और आप जब स्क्रिप्ट के ऊपर कीजिएगा तो अपने लिंक को शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में आपको 100% ट्रैफिक सोशल मीडिया से आपके साइट के ऊपर आएगा। आपका जो रियल साइट होता है उसके ऊपर किसी भी तरह का गूगल से कोई ट्रैफिक अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क ना करें। अगर दोस्तों आप लोग स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा इसके बारे में जान लीजिए। गूगल एडसेंस कभी नहीं कहता है कि 100% ट्रैफिक सोशल मीडिया से आए। चलिए सोशल मीडिया से आए 30-40% भी अगर आ जाता है तो दिक्कत नहीं है, चलो आ रहा है कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन वहां से क्लिक भी आ रहा है तो आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया में आपने लिंक को शेयर भी किया और वहां से क्लिक भी उठा रहे हैं। गूगल क्या, आपको क्या लगता है गूगल आपको पैसा दे देगा, आपके अकाउंट को यहाँ पे छोड़ देगा? जी नहीं दोस्तों, आपके अकाउंट को यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक एक दिन में हम 500-1000 डॉलर अर्निंग कर रहे हैं स्क्रिप्ट को यूज करते हुए और हमारा अकाउंट भी यहाँ पे ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो 500-1000 डॉलर मान लीजिए अर्निंग कर रहे हैं, इतना तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और उसका अकाउंट यहाँ पे सिक्योर इसीलिए है क्योंकि दोस्तों उनके पास दूसरा भी साइड है और उसी एडसेंस अकाउंट से लिंक भी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि उनके साइट के ऊपर रियल ट्रैफिक भी आ रहा है, तो मिला जुला के जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 30-40% ही बचता है। अब अगर कोई बोलते हैं कि भाई हम सोशल मीडिया के ऊपर लिंक को शेयर किए थे और 1,00,000 व्यू आ गया, उसमें से 20,000 क्लिक है और मुझे 500 डॉलर मिल गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है, अगर अर्निंग हो जाती है तो महीने के आखिरी में उनका अर्निंग को कट कर दिया जाएगा या नहीं तो उनके अकाउंट को यहाँ पे डिसेबल कर दिया जाएगा। चलिए डिसेबल अगर नहीं किया जाता है, अर्निंग कट की जाती है, अगर 1 महीना ऐसा हो जाता है, 2 महीना ऐसा हो जाता है, 3रे महीने में क्या होगा दोस्तों कि उनका अकाउंट यहाँ पे डिसेबल कर दिया जाएगा क्योंकि गूगल एडसेंस समझ जाएगा कि भाई ये आदमी सुधरने वाला नहीं है, ये इसी तरह से ट्रैफिक लाएगा और इसी तरह से गूगल को चूना लगाएगा। तो हम चूना लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए नहीं है कि भाई कहीं से भी क्लिक आया हम पैसा दे दिए, पैसा कोई रोड पे नहीं बह रहा है। और उनको भी दोस्तों यहाँ पर जो एड का जो पैसा मिलता है तो एडवर्टाइजर उसको खाली गूगल को मुंह देख के थोड़ी देता है भाई, काम होना चाहिए। अब उनके एड के ऊपर फालतू का क्लिक हो रहा है, अब जो भी एड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो उनके साइट के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, तुरंत बैक हो जा रहे हैं।
तो उस क्लिक का पैसा क्यों दिया जाएगा। सबसे पहली बात, हम इस तरह का बात इसलिए बोल रहे हैं कि चलिए हम बात कर लेते हैं अभी जो आ रहा है इंडिपेंडेंट डे यानी 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, बहुत खुशी की बात है, और हमारा बर्थडे भी है 15 अगस्त को। ऐसा नहीं है कि हम भी खुश नहीं है, हम भी बहुत खुश है, चाहेंगे तो हम भी स्क्रिप्ट पे वर्क कर सकते हैं और वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं शॉर्टकट से पैसा कमाएं, हम चाहते हैं रियल तरीके से पैसा कमाएं और हमेशा कमाएं। गूगल एडसेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ वर्क करेंगे। तो अगर आप लोग सोचेंगे कि एडमूव की तरह हम लोग कहा छापने लगे गूगल एडसेंस से भी, तो आपका अकाउंट यहाँ पे जाना ही जाना है। आपने देखा था ना एडमूव में क्या हो रहा था, एडमूव में हर दिन यहाँ पे अकाउंट डिसेबल हो रहा है, लोग अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट डिसेबल हो रहा है, लास्ट में तंग आके लोग छोड़ दिया। दूर एडमूव के ऊपर काम करना दिमाग का दही है, अब यहाँ से पैसा वैसा नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस तरह से इस ट्रिक को यूज करके अर्निंग कर लेंगे, हाँ अर्निंग तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक महीना दो महीना उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे चला जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अकाउंट जाने का क्या कारण होता है। चलिए हम मान लीजिए सोशल मीडिया में उस लिंक को शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद 2 से 3 एड वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यानी आपका स्क्रिप्ट का जो URL होगा वो खुलेगा, वहाँ पे दोस्तों 2-3 एड दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होंगे क्या कि क्लिक कर देंगे, चलिए आपके लिंक के ऊपर 300 व्यू आया मान लेते हैं, चलिए 300 व्यू आया, ठीक है, 300 व्यू में 3 या 4 एड लगाए हुए आप, तो कितना इम्प्रेशन बना, 400 इम्प्रेशन। 400 में दोस्तों अगर यहाँ पे कोई 200 क्लिक कर देगा तो आप समझ सकते हैं ये इनवैलिड क्लिक है या नहीं है, आप ही सोच लीजिए ये इनवैलिड क्लिक है। आपका CTR कितना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए बैठ करके। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी लोग वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं क्या उस एड से वो लोग इंटरेस्टेड है, गलती से क्लिक हुआ और तुरंत वो लोग बैक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट डे का जो मैसेज था वो देखना है। अब गूगल का एड देख के हम क्या करेंगे, और इंडिया में दोस्तों कौन आदमी गूगल के एड से इंटरेस्ट होके क्लिक करता है, 100 में 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज पसंद हो जाता है उस एड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो जाके परचेस करते हैं या साइट के ऊपर बैठते हैं, देखते हैं भाई, रिसर्च करते हैं कौन चीज क्या मिल रहा है, कहाँ से आया है, नहीं आया है, कौन सा प्रोडक्ट है, चलो ये नहीं दूसरा ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी आपके लिंक के ऊपर क्लिक किया और 1 सेकंड भी नहीं रुकता है, तुरंत बैक हो जाएगा। अब व्हाट्सएप का क्या फंडा है कि कोई भी लिंक को आप मान लीजिए शेयर करते हैं, अगर आपके साइट के ऊपर जाने के बाद गलती से एड के ऊपर क्लिक हो गया तो वो बैक हो जाएगा, आप समझ जाइए। इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका अकाउंट यहाँ पे चला जाए। इस तरह का जो क्लिक होता है दोस्तों वो इनवैलिड क्लिक होता है। इनवैलिड क्लिक का मतलब समझते हैं, अगर आपके साइट के ऊपर अधिक मात्रा में इनवैलिड क्लिक होता है तो आपके अकाउंट को यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता है। आप जितना भी आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का फॉर्म भर दीजिए चाहे कुछ भर दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 से 2 बार या 3 बार मान लीजिए ऐसा होता है तो आपके अकाउंट को यहाँ पे 110% डिसेबल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना इतना अर्निंग हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनका अकाउंट यहाँ पे सिक्योर इसीलिए है कि हमने आपको बता दिया, उनके रियल साइट के ऊपर भी 2-3 साइट जो भी है तो गूगल वगैरह से भी ट्रैफिक आ रहा है तो वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन आप न्यू ब्लॉगर हैं, आपने ब्लॉगिंग पे करियर शुरू किया है, यानी ब्लॉगिंग के दहलीज के ऊपर आपने कदम रखा है और आपका एडसेंस अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हुआ है, आपके साइट के ऊपर 200-300 लोग यहाँ पर डे आ रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम यहाँ पे सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है 2,000-3,000-4,000 पर डे आने लगा और क्लिक उलिक भी अनाप शनाप होने लगा, तो गूगल एडसेंस समझ आता है कि भाई ये सब इनवैलिड क्लिक है और इस हमारे ऐड का गलत यूज किया जा रहा है, तो इनके अकाउंट को यहाँ पे डिसेबल कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए या आपके आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए या आपके फाइनल बैलेंस में आपके बैलेंस को कट कर दिया जाए। तो फाइनली दोस्तों आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे बनाने में कितना दिक्कत होता है लोगों को, यानी गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे अप्रूव कराने में कितना दिक्कत होता है। यहाँ पे लाखों लाख लोग रोज अप्लाई करते हैं और उनका रिजेक्ट होता है। अब बता देते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे मिलता है, वो भी नॉन होस्टेड। आपको वेबसाइट बनाना पड़ता है, आर्टिकल लिखना पड़ता है, ट्रैफिक का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर मॉडिफाई कीजिएगा, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, फिर रिजेक्ट
हो जाता है, किसी किसी का एक ही बार में हो जाता है, किसी किसी का 10 बार में होता है अप्रूवल। तो आप समझ सकते हैं कि नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग अगर सही तरीके से वर्क करेंगे तो गूगल एडसेंस के साथ मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हैं तो चलो अभी 6 महीना मान लीजिए अर्निंग नहीं होगी, लेकिन 6 महीना के बाद आपको अर्निंग होगी, अच्छी खासी होगी, जिससे आप लोग अपना अपना खुशी खुशी से रह सकते हैं, खुशी खुशी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये सब गलत तरीका है। अगर दोस्तों आप लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहिएगा तो कोई भी प्रोसेस अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो वो गलत ही होता है और वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, यानी लंबे समय तक आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडमूव के बारे में। एडमूव में भी दोस्तों यहाँ पे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से करना होगा। पहले क्या था दोस्तों कि गूगल एडसेंस छोड़ा हुआ था, यानी गूगल छोड़ दिया था कि भाई आओ कमाओ क्लिक करो जो करना है। जब देखा कि हमको चूना लग रहा है, हमारा बैंड बज रहा है, तो सबके अकाउंट को एक लाइन से यहाँ पे डिसेबल करता जा रहा है। जो भी लीगल तरीके से काम कर रहा था उनका अकाउंट अभी तक है, जो भी दोस्तों अनलीगल तरीके से वर्क कर रहा था उनका अकाउंट यहाँ पे चला गया और वहाँ पे वो अकाउंट बना रहे हैं उनका अकाउंट डिसेबल हो रहा है। कुछ लोग तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी हैं कि एडमूव का अकाउंट बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, बार बार वही मैसेज आ रहा है कि आपके पास पहले से अकाउंट है, जैसे है वैसे है, डीस है डास है, तो अब क्या करें नहीं करें बराबर मुझे यहाँ पे कमेंट वगैरह देखने को मिलता है। जो सही तरीका है मैं उनको बता देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर गूगल एडसेंस के साथ आप लोग वर्क करना चाहते हैं तो सही तरीके से वर्क कीजिए, लीगल तरीके से वर्क कीजिए, तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे लाइफ टाइम कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोग 110% पे आउट आपको मिलता है और सही तरीके से मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लीगल तरीके से वर्क करेंगे तो ज्यादा दिन तक काम करेंगे और हो सकता है कि जैसे जैसे एडसेंस अकाउंट आपका पुराना होता चला जाएगा आपके अकाउंट का यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा और गूगल एडसेंस आपके अकाउंट को यहाँ पे डिसेबल करने से पहले सोचेगा। अब नए नए यूजर यहाँ पे ऐसा ऐसा काम करेंगे तो अकाउंट तो यहाँ पे डिसेबल होना ही होना है। एक हमारे यूजर है, फैमिली मेंबर है, सब्सक्राइबर है, तो उनका यहाँ पे कॉमेंट आया कि इसराइल भाई अभी कुछ दिन पहले हमको एडसेंस का अप्रूवल मिला था हमारे साइट को और हमने देखा कि वहाँ पे किसी तरह का भी क्लिक नहीं था, सिर्फ इम्प्रेशन वहाँ पे शो हो रहा था। दूसरे दिन हमें यहाँ पे मेल आया कि आपके अकाउंट को यहाँ पे डिसेबल कर दिया जा रहा है इनवैलिड एक्टिविटी बोल के, तो इनवैलिड एक्टिविटी बोल करके भी यहाँ पे डिसेबल किया जा रहा है। इनवैलिड एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, आपके साइट के ऊपर गलत तरीके से ट्राफिक आ रहा है। जहाँ पे दोस्तों गूगल एडसेंस का एड लगा होता है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि गलत तरीके को यूज करते हुए आप अपने साइट के ऊपर ट्राफिक कभी ना लाए, किसी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करें, ट्रैफिक एक्सचेंज वगैरह नहीं करें। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ तो गूगल एडसेंस की पॉलिसी को आप जाके पहले पढ़ दीजिए, आप खुद समझ जाइएगा कि गूगल एडसेंस क्या कहता है। तो फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या सही तरीका है इवेंट ब्लॉगिंग करने का। अगर दोस्तों आप लोग इवेंट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इवेंट ब्लॉगिंग आप लोग किसी भी तरह के वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्क्रिप्ट के ऊपर आप लोग वर्क ना करें। अगर आपका अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले अप्रूवल मिला है या नहीं तो दोस्तों अप्रूवल मिलने से बहुत दिन भी हो गया है लेकिन आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज इस तरह का काम नहीं करें। अगर दोस्तों करते हैं तो आपके अकाउंट को यहाँ पे डिसेबल होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।